लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, क्या कहना चाहोगी आप? अच्छा, मैं इनको आपकी बात सुनी थी, शुरू से स्ट्रीम देख रही हूँ। अब वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड के जूते पॉलिश करना, ये सब कुछ करना। मेरे जहन में सवाल ये आ रहा था, हस्बैंड मजदूर है या ओह, उसके वो हंसी मुझे आ जी। रही थी, कहती है मुझे शहरी का सब कुछ पता होना चाहिए मगर शहरी को मेरा कुछ नहीं पता होना चाहिए। हो भाई, ये तो मीडिया में बोल के खुद तो अपनी वाह वाह करवा लेगी इस तरह के, क्योंकि इनका तो काम होता है कि कुछ इस तरह के कमेंट्स करके तो ज्यादा मशहूर हो जाएगी। लेकिन जो गरीब औरतें बैठी हुई हैं, जिनके मर्द इनको देख रहे हैं, वो तो अपनी बीवियों को फेंटी लगाएंगे ना कि अब तू मेरी हर चीज का ख्याल रख। और जबरदस्ती। ये तो फिर वो ही खरीदने वाला हो गया ना, ये शादी तो नहीं हुई, निकाह तो नहीं हुआ। नौकरानी रखी है ना आपने घर पे, नौकरानी रखनी है, वही बात है ना इन लोगों की अभी। मगर नहीं, इसको इसको तो जो दूसरी मॉडल है ना उनको भी ना इसको सही का लगाने इसकी क्लास लेनी चाहिए। क्योंकि देखो जो ये बात कर रही थी ना उससे यही लगता है कि इसके पास दिमाग तो है नहीं। सीरियसली, आई नहीं डोंट है, थिंक शी हैज अ ब्रेन, शी डजंट हैव अ ब्रेन, पैदल है दिमाग से। आई एम सॉरी टू से, मगर आप हमारी मॉडल्स को ना, हम मॉडल्स को बहुत बर्बाद कर दिया आपने, हमारा नाक कटा दिया आपने हमारी। हमारे पास दिमाग होता है और मेहनत करनी पड़ती है, मगर आपकी मुझे मेहनत पे भी शक हो रहा है, अब मुझे आपके दिमाग के लेवल पे भी शक हो रहा है। सो क्या करेंगे जी। लास्ट वर्ड यही है, पाकिस्तानी आवाम को कहूंगी कि ऐसे लोगों को ना सुने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो एक तरह की बेवकूफ है। कोई रिश्ता बनाते हैं तो बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, ना कि नौकरानी वाला रिश्ता। हाँ नहीं वो तो है। चलें, थैंक यू सो मच थैंक लबेल। यू। और आपकी तबीयत कैसी है अब? अब मैं बेहतर हूँ। थोड़ा अरसा ना यहाँ से ब्रेक ले लो, तो मैं बता रही हूँ ये जो है ना सोशल मीडिया बड़े बड़ों को खा जाता है। अभी आप भी नहीं हो ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी ट्रोलिंग वगैरह मुझे कैसे। एक्चुअली मुझे किसी की बातों से नहीं हुआ। मैं एक्चुअली बहुत सारी सैड न्यूज़ जो है ना वो देख देख के और पढ़ पढ़ के, जिसकी वजह से जहन पे असर पड़ा है। बाकी कोई अगर मुझे कोई बात कर रहा, उसकी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मगर हो जाता है ना, मैं खुद बता रही हूँ ना कि जब मैं उस दिन मैंने जो शो किया था इसमें वो तीन औरतों पे मैंने बात की है, तीनों को जो मार दिया था यार। और उसके बाद फिर मुझे हारिस ने उस दिन वो वीडियो भेजा है एक छोटी बच्ची का, जिसपे मैं बात करूंगी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी, जहाँ पे वो बंदा उठाकर उसको रेप करने के लिए ले जाता है, 4 साल की बच्ची का। मेरा दिमाग घूम गया उस रात को, मैं 5 बजे तक नहीं सो सकी हूँ, इतना डिप्रेशन, इतना वो हो गया था, डिस्टर्ब मेरा माइंड यू नो। और ये बातों से तो मेरा इतना दिमाग नहीं, गुस्सा आता है, दिमाग नहीं घूमता इसमें, तो इन चीजों पे तो मुझे गुस्सा आता है, दिल करता है कि बस क्या बोलूं। मगर थैंक यू सो मच लबेल, अपना ख्याल थैंक रखना। यू, बाय बाय। चलो बाय बाय।